आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हमारी पूर्व नगर सेविका हमारी बहन रूपाली ताई गोटे जी को कार्यालय का उद्घाटन मैंने और लजीब मुल्ला जी जो प्रदेश के सरचिटनीस है हमने किया है। इस अवसर पर कलवा मुमरा के हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जफर नुमानी जी, हमारे कार्याध्यक्ष अजीज बाटा जी, महिलाओं की कार्याध्यक्ष मनीषा ताई भगत, समाज सेविका नेहा नाइक जी, संगीता दवणे जी, डॉक्टर मुमताज और सभी हमारे कार्यकर्ता, बहुत खुशी का माहौल है। एक सांस खुली हवा में जैसे लेते हैं वैसे सांस सभी कार्यकर्ता ने ली है। कोई बंधन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समाज के अच्छे तरीके से काम करने, मुमरा कलवा की आवाम का काम करने का काम हम करेंगे। और हम रूपाली ताई गोटे जी का मैं अभिनंदन करता हूं और हम दोनों भाई उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। अच्छा काम वो पहले भी करती थी लेकिन उन्हें करने नहीं दिया जाता था। अब मुझे विश्वास है कि खुले आसमान के नीचे अच्छा और काम वो करेंगी। पार्टी की ओर से मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पे देता हूं। देखो जो मेरा कौम का काम है ना, वो मेरा काम मैं दिल से करता हूं, दिखावे के लिए नहीं। जो इंसान घर में बच्चे के लिए भी कुछ करेगा तो वो दिखावे के लिए करता है, वो इंसान से क्या उम्मीद करने का, उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बेहुरमती हुई है उसके लिए उस रात मुमरा में FIR दाखिल होने की स्टाइल मारने को मैं आया नहीं, बट वहां गवाह है कि पुलिस स्टेशन में कितने बजे किसने DCP को फोन किया, किसने सीनियर को फोन किया और FIR नहीं ली तो कड़क से कड़क तुम पे कार्रवाई करूंगा, ये हमने बताया क्योंकि मेरा फर्ज है काम करना, मेरा फर्ज है। और जो वागले स्टेट की बात करते, हमने थाना में मिलके हमने रापुरी में दूसरे दिन FIR दर्ज की। अब उनको राजनीति करना है क्योंकि किसी का घर चले या मरे तो उनको किसी का जाता नहीं है, वो तो अपने बंगले में बैठने वाले। तो कौम की दर्द हमको है और कौम का दर्द हमको है और कौम की फिक्र भी हमको है और हम एक रखना चाहते हैं सबको। वो जब तकसीम करके जिसने जिंदगी भर वोट बटोरा है उसके लिए हम अलग हुए उनकी ये आदतों की वजह से, तो वो सब चीज के लिए हमारे को कोई मतलब नहीं और मुझे दिखावा नहीं करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बेहुरमती करे उसको सजा दो, उसके बारे में बात करो, ये दुनिया को क्यों दिखाओ। गुनाह दाखिल जो करना है वो करेंगे, हमने हमारे नेता के बयान जो करना है हमने किए, हमने मुख्यमंत्री के पास जो हमारा नाराजगी जाहिर करना है उनके मुंह पे जाके खड़े रह के रक्षाबंधन के दिन शाम में उनके सामने जाहिर किए। अभी आके बाहर बताएंगे कि मेरे दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये क्या है, वो गैर बाहर का वो क्या बात करता है मेरे से। मैडम आपके साथ खड़ी हुई है, एजुकेशन को लेकर आपने एक बात कही और रूपाली ताई अपने वार्ड में जब नगर सेविका थी तब से हम देखते आ रहे कि स्टूडेंट्स के लिए वो ऐसे प्रोग्राम हमेशा से करवाते आई अपने वार्ड में, लेकिन ऐसा है कि उन्होंने ज्यादा मीडिया में आकर नहीं कहा, तो क्या प्लान है आपके साथ? देखो हमारी टीम ना मीडिया से दूर रहना पसंद करती है, वक्ती तौर पे जो कोई प्रोग्राम हो तो उसमें करते हैं और हम जब काम मुकम्मल करते हैं ना तो मीडिया के सामने आते हैं। काम करने के पहले एक मीडिया, काम करने के बीच में एक मीडिया और काम करने के बाद में मीडिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ना दोस्त अपार्टमेंट में एक ऑफिस खुली रखी हुई है, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी एक काम के ऊपर, तीनों के अल्फाज अलग होंगे और उसमें क्या एक दूसरे के अल्फाज निकलते आपके वो वीडियो बाहर आ जाते हैं हमारे पास में। और टीम नजीब मुल्ला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उस सिलसिले में ये बात करती नहीं है। रूपाली ताई पहले से बहुत अच्छी उम्दा कार्यकर्ता है, जमीन पे रहकर काम करने वाली है, गरीब मिजाज की है, वो ज्यादा बात नहीं करती, ज्यादा मीडिया के सामने नहीं थी, इसका मतलब वो खिदमत अच्छा करती है ऐसा नहीं है। हमने उसे परखा है, हमने उसके सभागृह में मुद्दे उसके काम करने के तरीके को समझा, एक गरीब मिजाज की है, वो दरवाजा खोलने को गाड़ी के भागती नहीं है, उसके घर में कोई नहीं है कि जो जाके किसी के बंगले पे बैठ के चाय का ग्लास दवा दे हुए हाथ में चप्पल उठाए, तो बेचारी पीछे रही। आज हमने मौका दिया उसको, इस प्रोग्राम कर रही और आज उसके सामने भी, और हम ऐसे हर उम्दा कार्यकर्ता को मौका देंगे, ताकत देंगे, जैसा पराजी जी साहब ने कहा कि हम रूपाली ताई और बाकी के सभी लोगों को ताकत देंगे। आज ये उभर के आ रहे ना, खिदमत ही कर रहे ना लोगों के, इसमें खुशी है ना। कहा ना आजादी से, मैंने कहा था ना कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक मुर्गी के डब्बे के अंदर बंद करके रखा था, हमने उसको बाहर निकाला। पक्षियों की आवाज आती थी, एक राजा पैर हिलाते टक 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 पंख हिलाते बैठता था पैर ऊपर रख के और सब वहां से दबके बैठते थे, आज आजादी दे दी। आज हमारा हाथ पकड़ के जफर रुमानी साहब बोल तो सकते हैं मुझे बात करना है, इतनी आजादी है। और हमको वो आजादी लोगों को भी देनी है।
आज मी मनापासून सर्वांचे धन्यवाद आभार मानते कि आज माझा एवढा 10 वर्षांमध्ये पहिल्यांदा माझा ऑफिस ओपन झालेला आहे आणि पहिल्यांदा 10 वर्षांमध्ये मी आज नोटबुकचं वितरण केलेलं आहे ते आणि त्या फक्त परांजपे साहेब आणि नजीबुल्ला साहेब यांच्यामुळे आणि मी इथे आलेल्या सर्व माझ्या पक्षाचे नगरसेवक कार्यकर्ते आमचे पूर्ण टीम त्यांचे मी मनापासून आभार मानते आणि इथे आलेले माझे जे उपस्थिती त्या लोकांनी माझ्या लोकांनी जी दाखवली माझ्यावरती जे प्रेम दाखवले त्यांचे पण मी मनापासून आभार मानते धन्यवाद.